अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं मायो चिकन रोल। ये मायो चिकन रोल आप बच्चों की किड्स पार्टी में स्नैक्स के तौर पे या उन्हें लंच बॉक्स में दे सकते हो। बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े इसे पसंद करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये स्मॉल वाले हॉट डॉग बन इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हो। अब इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक कप जो है बॉयल चिकन ली हूँ। चिकन को मैंने नमक और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बॉयल किया और फिर इसे श्रेड कर लिया है। ये देखिए, श्रेड करने के लिए मैंने इसे मिक्सी में डाला और बस ऑन और ऑफ़ किया है 2 से 3 बार, तो ये श्रेड हो गई अच्छे से। साथ में कैबेज और एक कैरेट को मैंने कद्दूकस कर लिया है और ये थोड़े से कॉर्न से स्वीट कॉर्न, इसको भी मैंने हल्के से बॉईल कर लिया है। तो ये देखिए, अब मैं बोल में डाल रही हूँ हाफ कप मायोनीज। हाफ कप मायोनीज लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। बच्चों को बहुत पसंद आती है मायोनीज का टेस्ट। और इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चमचे भरकर फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम मार्केट से ले सकते हैं या दूध को बॉईल करके फ्रिज में रख दें और जब फ्रिज के ऊपर मोटी सी मलाई तैयार हो जाए तो बस वो क्रीम को ले लें। अब इसमें मैंने डाली थोड़ी सी काली मिर्चें, नमक और ये रहा चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। आप इसमें दूध पे की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेश क्रीम मार्केट से लाना ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए, तमाम चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी हमारी ये क्रीम तैयार हो गई है, ये देखिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। चिकन मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं इसे बॉईल करके मैंने श्रेड किया है, साथ में एक बड़े गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है और ये देखिए कैबेज, कैबेज को भी बिल्कुल बारीक चॉप करना है और साथ में ये रहे हमारे स्वीट कॉर्न, बॉयल स्वीट कॉर्न थोड़े से डाल दिए मैंने। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई। अभी हमें इसकी डिप तैयार करनी है, तो पहले हम फिलिंग अच्छे से मिक्स कर लें फिर हम डिप की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए, फिलिंग इसकी परफेक्ट तैयार हो गई। चले अब हम इसका अंदर का सॉस यानी कि डिप इसके तैयार करते हैं। इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे, तो 4 बड़े चमचे टमाटो केचप मैंने लिया और इसमें डाली 1 बड़ा भर के चमचा चिली सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिली सॉस को आप स्किप कर दें। इसमें मैंने डाल दी 1 टीस्पून जो है काली मिर्चें, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे ओरिगेनो, नमक, चिली फ्लेक्स और ये 1 बड़ा भर के चमचा मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक। तो ये देखिए, गार्लिक यानी लहसुन को बारीक चॉप कर लिया था, तो हमारी बहुत ही टेस्टी टमाटो गार्लिक जो है ये सॉस तैयार हो गई। ये देखिए, टमाटो गार्लिक सॉस हमारी तैयार है। तो चलिए अब हम रोल की फिलिंग करते हैं अपने। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ये रहा हमारा रोल। अब रोल को हम जो है कट करेंगे, बिल्कुल गहरा कट नहीं करेंगे, हल्का कट, और इस तरह से ओपन करेंगे और इसके अंदर हम हमारी डिप डालेंगे जो सॉस हमने तैयार किए हैं, टमाटो चिली गार्लिक सॉस। बहुत टेस्टी लग रहा है ये, इसे हम लगाएंगे। बच्चों को दे रहे हो तो थोड़ा कम लगाएं और फिर इसके अंदर हम लगाएंगे हमारी ये चिकन फिलिंग। तो देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान था। आप इसे बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो और कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी आप जा रहे हो तो आप इसे साथ में कैरी कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये और साथ में घर में बने हुए हैं तो ये बहुत हेल्दी भी हुए, क्योंकि हमने ख़ुद चिकन बॉईल की है, तमाम वेजेस काट के इसमें फिलिंग की है, तो तमाम चीज़ें यकीनन जो है बिल्कुल फ्रेश है। तो ये लीजिए, तैयार है चिकन मायो रोल। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ में हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।